दिया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? मैंने कुछ नहीं किया। अरे क्यों नहीं किए बताओ, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैं ये कहना चाह रही हूँ, तुम्हारी जिद पे मैंने तो शादी करवा ली तुमने लड़के की। मैंने तुमसे पूछा नहीं था क्या? तुमने मेरे से नहीं पूछा, आग नहीं चलाई। मैं तो तुमसे पूछ के ही काम किया था। तुम मेरे पे कुछ ना पूछते। दूसरी शादी मेरी नाक कटवा हुई ये तो बहुत खुशी की बात है। देख ले लगा मैंने कितनी तीरत करी, कम आगे तुम्हें अपन हुए। चलो कोई बात नहीं मम्मी, मेरी सफलता के पीछे मम्मी और पापा दोनों का ही हाथ है। अभी मान लो पढ़ लिख के आई है, धीमे 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 को भेज दो। ठीक है अच्छी बात है, मैं सब जानता हूँ। बोलो क्या तो तू दूसरी शादी कर। क्यों? तो गुप्ता जी है ना है? तो? उनकी बहू आई है परसों। अच्छा इतना सारा दहेज लेके आई है, फोर व्हीलर गाड़ी लेके आई है। अच्छा सब कुछ लेके आई है, और हमारी बहू अब तो तू डीएमसी में लगा हुआ है। तो क्या होगा ये तो मैं समझाता हूँ, तू समझाते ही रहिए। समझाते हुआ आप कुछ काम नहीं करती घर में और पता नहीं बैठी रहती हो, क्या करती हो? मैं नहीं करती हूँ तो क्या मम्मी जी करती है काम? करता वही करती होगी जब मुझे बता रही हो तुम। अरे मैं पढ़ती भी हूँ, काम भी करती हूँ, हमें तो बुराई करती रहती है, मेरी कोई भलाई की है उन्होंने कभी मेरी? अरे वो बता रही थी कि वो सारे दिन पढ़ती रहती है, कुछ करती नहीं है। देखो मैं बताऊँ, जब एक बहू जब किसी घर में आती है मेरी बेटी रहती है।
क्या होता है कभी सोचा तुमने? उस पर क्या गुजरी थी और उसके माता पिता पे क्या गुजरती? भाई तुम्हारा कहने का सही बात है।